नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है भाई। आपको पता है गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी हमने देख रखा है। अब हम कहां पहुंच चुके हैं भाई, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। और अब हम देखेंगे कहां पर हम देखने वाले हैं जो 1526 के युद्ध के बाद, क्योंकि 1526 का युद्ध इससे पहले वीडियो हमने देख रखा है, उसके बारे में अच्छे प्रकार से डिस्कस किया। इब्राहिम लोधी बाबर के द्वारा मारा गया है ना। तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको पता ही होंगे, पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। पहला किसके बीच हुआ, यही बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। सेकंड वाला हुआ था हेमू और अकबर के बीच। थर्ड वाला हुआ था अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच। ठीक है, तो उसको हम बाकी डिस्कस करते रहेंगे जो पीछे आगे आते रहेंगे। तो बात करते हैं 1526 में हो जाता है युद्ध पानीपत का फर्स्ट, है ना, जिसमें इब्राहिम लोधी की जो इब्राहिम लोधी हुआ करता था उसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है बाबर के द्वारा। और नींव पड़ती है गुलाम साम्राज्य की, किसकी, गुलाम वंश की, यहां से नींव पड़ जाती है। क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बाबर की भारत पर विजय का वर्णन कीजिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य की नींव कौन डालेगा, बाबर ही डालेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे। तो आपको बता रखा है मैंने, उत्तर लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उत्तर लिखने से पहले हम डालते हैं सबसे पहले उत्तर। उत्तर लिखने के बाद हमें हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। एक क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश का प्रथम शासक, जितने भी शासक हैं आप लिख दो सभी मुगल साम्राज्य के, सॉरी मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं यहां पर सभी को लिख दो। ठीक है, सभी को लिख दो। आपको ट्रिक मैंने बता रखी है, कौन सी है भाई, कौन सी है, है ना, ट्रिक जो बता रखी है वो कौन सी हो जाती है, ट्रिक हो जाती है भाज सब। क्या है भाई, भाज सब जो हो जाती है वो जाती है ट्रिक। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, सा से शाहजहां, ए से औरंगजेब, और बी से कौन हो जाता है, बहादुर शाह जफर, है ना। ट्रिक आपको बता रखी है, इन सभी के नाम कहां पेल देना है भाई, इस बॉक्स में कर देना है ना, इस बॉक्स में सभी के नाम लिख देना है। तो समझ लेना आपके नंबर क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स में जितना ही मुगल साम्राज्य के बारे में है सब लिख देना। ठीक है, प्रथम मुगल साम्राज्य, द्वितीय मुगल वंश, मुगल शासक, तृतीय मुगल शासक, चतुर्थ मुगल शासक, पंचम मुगल शासक, छठा मुगल शासक। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई, सातों के नाम लिख देना है। ठीक है, सातों मुगल शासकों के नाम यहां पर लिख देना है, तो एग्जाम समझेगा कि हाँ भाई कुछ पढ़ रखा है। बिल्कुल आपको नंबर क्या होंगे, देखो बॉक्स में जितनी आपकी जानकारी है बाबर के बारे में, कुछ मुगल साम्राज्य के बारे में, तो सारा के सारे इस बॉक्स में लिख दो। इस बॉक्स में क्या है, लिख दो, क्योंकि बॉक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में किस चेक करेगा, सबसे पहले इस बॉक्स को देखेगा कि बच्चे ने क्या किया भाई, बच्चे ने एक बॉक्स बनाया जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में सारे के सारे वर्णन कर रखा है, इसका मतलब इसके लिए पूरा की पूरा पता है इसके बारे में, है ना। तो उसको नंबर क्या होंगे आपको अच्छे मिलेंगे, थ्योरी चाहे आप थोड़ी बना बनाकर भी लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, यूनिट नंबर थर्ड हमारी स्टार्ट होती है। यूनिट नंबर थर्ड में हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कौन सा, बाबर की भारत पर विजय का वर्णन कीजिए। तो आपको सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है और यहां देखना है ना, सिर्फ सुनना है और यहां देखना है। पूरी की पूरी जितना ही पानीपत का युद्ध है, जो जो इसके युद्ध हुए थे सारे आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, उत्तर के बाद हमने बॉक्स बना ही दिया, सब कुछ लिख ही दिया। ठीक है, अब देखते हैं बाबर की विजय, बाबर की विजय का कारण क्या थे इसको देखने वाले हैं। तो युद्ध होता है पानीपत का युद्ध 1526, जो इससे पहले हमने देख रखा था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। देखे हैं, सरहिंद से अंबाला होते हुए बाबर पानीपत के मैदान में आ गया। कहां से, सरहिंद से अंबाला होते हुए बाबर कहां आया था, पानीपत के मैदान में आया और यहां रुक गया। आलम खां के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात इब्राहिम ने, जो आलम खां था, कौन था, आलम खां कौन था भाई, इसका भाई। ठीक है भाई, आलम खां के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात इब्राहिम ने दिल्ली के उत्तर की ओर बाबर का सामना करने के लिए कूच किया। कौन आ रहा है भाई, इब्राहिम लोधी आ रहा है और इधर से बाबर आ रहा है। सरहिंद से अंबाला होते हुए बाबर आ चुका है कहां पर, पानीपत के मैदान में, और इधर से कौन जा चुका है, इधर से इब्राहिम लोधी, जो आलम खां था उसके विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के बाद कहां आ रहा है, ये भी दिल्ली के उत्तर की ओर बाबर के समान, बाबर का सामना करने के लिए कूच किया है इसने भी। ठीक है, दोनों क्या आ रहा है, एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए तैयार हो चुके हैं और पानीपत
पहुंच गया। इब्राहिम लोदी भी कहां पहुंच गया भाई, पानीपत पहुंच गया। हिसार फिरोजा का शिकदार, जो हिजा कह सकते हैं, हिसार फिरोजा का शिकदार हामिद खां जो था, कौन था, हामिद खां जो था, सेना लेकर इब्राहिम का साथ देने के लिए आ रहा था, जो कह सकते हैं शिहार फिरोज था, ठीक है। एक इसको छोड़ो सबके लिए, ठीक है, यहां पर लाइन को छोड़ देना, किसको याद करना है, हामिद खां याद रखना है, ठीक है, हामिद खां, सिर्फ हामिद खां सेना लेकर इब्राहिम का साथ देने के लिए आ रहा था, लेकिन वह हुमायूं से परास्त हुआ। अब पूछोगे हुमायूं कौन था, अब पूछोगे आप हुमायूं कौन था, तो हुमायूं हो जाता है बाबर का बेटा, कौन भाई, बाबर का बेटा था कौन, हुमायूं। ध्यान रखना, जो सेकंड वाला बनेगा, सेकंड वाला शासक बनेगा मुगल साम्राज्य का, वो कौन होगा, हुमायूं ही रहने वाला है, बाबर का बेटा। तो ध्यान रखना, हुमायूं ने किसको हराया, हुमायूं को हामिद खां जो था इसके लिए घेर लिया और उसे परास्त कर दिया, किसने, हुमायूं ने। जुनैद बरलास ने हातिम खां के नेतृत्व में इब्राहिम की सेना के अग्रिम दस्ते को पराजित कर दिया, किसने, जो जुनैद बरलास होता था, जुनैद बरलास एक का नाम था। देखो तो नाम याद नहीं भी रहे फिर भी आपको क्या करना है, इतना तो पता है कि इब्राहिम की सेना को सेना के अग्रिम दस्ते को पराजित कर दिया, इब्राहिम लोदी लिख देना, इब्राहिम लोदी के सेनापति ने, ठीक है, यह भी आपका यहां पर चल जाएगा। अगर आपको जुनैद बरलास ने हातिम खां के नेतृत्व में, अगर आपको इतना नहीं भी याद करना है, इतना नहीं भी याद करना है, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो बाबर के सेनापति ने इब्राहिम की सेना के अग्रिम दस्ते को पराजित कर दिया। अगर आपको नाम याद नहीं है तो बिल्कुल बनाकर आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं, यह बाबर की प्रारंभिक विजय थी, बाबर की प्रारंभिक विजय की थी, जो अग्रिम भाग हुआ करता था उसको क्या कर दिया, बाबर ने परास्त कर दिया, बाबर के सेनापति ने, जिसका नाम क्या था, जुनैद बरलास। नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आलम खां का बाबर ने विशेष ध्यान रखा और उसे दस्ते के नेतृत्व भी सौंपा, क्योंकि वह इस लोदी राजकुमार का पूरा राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। लोदी राजकुमार कौन था, जुनैद बरलास लोदी राजकुमार था, इसका पूरा लाभ कौन उठाना चाहता था, बाबर उठाना चाहता था, ठीक है, इसीलिए इसको एक दस्ते का नेतृत्व उसने सौंप दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों के सैनिक शक्ति के बारे में अध्ययन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि बाबर की सेना लगभग 15,000 एवं इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 50,000 के हेरफेर में थी। बाबर जो था, बाबर की सिर्फ सेना कितनी थी, 15,000, मगर जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना 50,000 के करीब में थी। बाबर ने रक्षात्मक युद्ध नीति को अपनाया और जरूरत पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था, क्योंकि बाबर की सेना बहुत कम थी, तो इसलिए इसने क्या अपनाई भाई, बाबर ने रक्षात्मक युद्ध नीति को अपनाया कि हमें रक्षा भी करना है अपने आप की और शत्रु को परास्त भी करना है, और जरूरत पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था, ऐसी सेना इसने तैयार की थी। दोनों सेनाएं एक सप्ताह तक एक दूसरे के सामने पड़ी रही, एक दूसरे से लड़ती रही। बाबर चाहता था कि इब्राहिम आक्रमण करे। इब्राहिम की सेना ने 21 अप्रैल 1526 डेट याद ना रहे तो पानीपत की युद्ध, पानीपत का युद्ध हो रहा है तो डायरेक्टली क्या लगा देना, 1526, ठीक है, ये याद कर लो, 21 अप्रैल 1526 को प्रांत आक्रमण किया है ना, प्रांत पर क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी ने आक्रमण कर दिया। उसके 15,000 सैनिक मारे गए, किसके, इब्राहिम लोदी जो था उसके 15,000 सैनिक मारे गए। दोपहर तक पूर्ण रूप से लोदी सेना परास्त हो गई, स्वयं वह भी मारा गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई,
21 अप्रैल 1526 से प्रारंभ होता है और दोपहर तक जो इब्राहिम लोदी होता है उसकी सेना हार जाती है। और इस 1526 के युद्ध में बाबर किसको, इब्राहिम लोदी को मार देता है, मतलब इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है। ठीक है, पानीपत का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ, जो पानीपत का युद्ध था वो निर्णायक सिद्ध हुआ। बाबर ने विजय के बाद हुमायूं को आगरा और अपने बहनोई, उसका बहनोई के नाम क्या था, गहेदी ख्वाजा, ध्यान रखना बहनोई का नाम क्या था, गदेही ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा। आगरा पर कौन अधिकार कर रहा है, आगरा पर उसका बेटा हुमायूं के लिए गद्दी पर बैठा दिया। और जो दिल्ली पर शासक करने के लिए भेजा, वह भेजा गहेदी ख्वाजा के लिए, किसको, गहेदी ख्वाजा, जो इसका कौन था, बहनोई हुआ करता था। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद में 27 अप्रैल को बाबर के नाम का ख्वाजा पढ़ा गया। सॉरी ये ख्वाजा कह रहा हूं, खुतबा कहते हैं ना, खतबा, खतबा नहीं है, खुतबा दे रखा है। ठीक है, खुतबा पढ़ा गया। बाबर दिल्ली होते हुए आगरा गया। ठीक है, उसने 10 मई को नगर में प्रवेश किया और इब्राहिम के महल में ठहरा। ठीक है, 10 मई को कहां पर, नगर में प्रवेश किया और इब्राहिम के महल में जाकर बैठ ठहरा था। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी यहां पर बातें कही जा रही हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इसे एक प्रकार पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल पता रहेगा कि हुमायूं को आगरा सौंप दिया था, उसका बहनोई था, चाहे नाम याद ना भी रहे, बहनोई को क्या, दिल्ली का शासक बनवा दिया था, और खुद जो था वो कहां पहुंच गया था, वो पहुंच गया था इब्राहिम लोदी के महल में। बस इतना ही तो रखा है, इतना ही वहां पर लिखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहां देखा है खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, किसके, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, पूछ लेगा आपको, एमसी की क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है कि एक बात बताइएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था, किस किसके बीच हुआ था, तो वह हुआ था बाबर और राणा के बीच। ठीक है, तो बात करते हैं, उत्तर भारत एक विशाल शक्तिशाली शासक मेवाड़ का राजा राणा संग्राम सिंह था, राणा संग्राम सिंह, कोई बात नहीं आप राणा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक मेवाड़ का राजा राणा सांगा हुआ करता था। गुजरात और मालवा के सुल्तान को पराजित करके उसने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य में रूपांतरित किया था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी परास्त किया था। तो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसकी 50,000 से ज्यादा सेना थी, उसको भी राणा सांगा ने परास्त किया था। राणा को यह विश्वास था कि लूट के बाद बाबर काबुल चला जाएगा, क्योंकि बाबर कहां से आया था, काबुल से आया था। क्वेश्चन बन जाता है बाबर का जन्म कहां हुआ था, तो ध्यान रखना बाबर का जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, वो काबुल में हुआ था। ठीक है, लेकिन बाबर की शीघ्र विजय तथा आगरा के ठहरने से उसे आक्रमण करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि बाबर, एक बात आपको यहां बता दूं, जो बाबर था, ठीक है, बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए किसने कहा था, वह कहा था राणा सांगा ने ही, राणा सांगा ने ही बाबर के लिए आमंत्रित किया था कि आप यहां आइए और जो इब्राहिम लोदी है उसे युद्ध कीजिए और उसे परास्त कीजिएगा। ठीक है, इसको ही बुलाया था और फिर यहां से आप चले जाइएगा। ठीक है, अपने मतलब सहायता के लिए बुलाया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, आप किस पर अधिकार कीजिए, दिल्ली जो सल्तनत है उस पर अधिकार कीजिएगा। ठीक है, मगर सहायता करने के लिए बुलाया था कि आप लड़ोगे इब्राहिम लोदी से तो मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि आपकी सेना क्या है, बहुत कम है। मगर जो राणा सांगा था इसने बाबर की सहायता नहीं की थी। ठीक है, इसीलिए यह लूट के बाद बाबर काबुल चला जाएगा, यह किसका मानना था, राणा का, क्योंकि राणा ने इसे बुलाया था कि लूटेगा और कहां चला जाएगा, काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर की शीघ्र विजय तथा आगरा के ठहरने से उसे आक्रमण करना अनिवार्य हो गया। अब किसके बीच युद्ध होना स्टार्ट हो रहा है, राणा और बाबर के बीच, क्योंकि राणा को अनुमान था कि बाबर क्या होगा, जैसे ही युद्ध करेगा और जीतेगा, लूटफूट करेगा, वहां पर
सल्तनत पे और वापस अपने काबुल चला जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने खुद आगरा मरकज को आगरा में अपने बेटे हुमायूं के लिए ठीक है सौंप दिया और दिल्ली का शासक बना दिया। किसके लिए? वो हो जाता है इसका बहनोई। ठीक है, तो बात करते हैं जिससे वह अपने ठीक है समर्थित व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा सके। बाबर द्वारा धौलपुर तालपी पर अधिकार करना युद्ध का तात्कालिक कारण था, क्योंकि राणा इसे अपने राज में मानता था। जो राणा था वो धौलपुर को और कालपी को अपने अधिकार में मानता था। इसको अपने अधिकार में लेना किसका? बाबर का एक कह सकते हैं प्रण लिया। क्या लिया? बाबर ने पढ़ लिया कि धौलापुर और कालपी है उस पर अधिकार करेंगे। ठीक है, उसके बाद बयाना राजस्थान का द्वार था। बयाना क्या था? राजस्थान का द्वार था और बाबर की अधीनता यहां के अफगान किलेदार तथा निजाम खां ने स्वीकार कर ली थी। बाबर की जो अधीनता यहाँ के अफगान किलेदार निजाम खां ने क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। अतः बयाना पर राणा ने आक्रमण कर दिया। किस पर? जो बयाना हुआ करता था उस पर किसने आक्रमण कर दिया? राणा ने आक्रमण कर दिया। राणा की सेना ने बयाना पर अधिकार कर लिया। पराजित अफगान तुर्की सैनिक बाबर के सैन्य शिविर से भाग गए और राजपूत सैनिकों की बहादुरी का ऐसा वर्णन किया जिससे बाबर के सैनिक का मनोबल घट गया। पहली बार में क्या होता है? जो राणा सांगा होता है ठीक है वो बाबर की सेना को बुरी तरीका से क्या करता है? परास्त करता है। बुरी तरीका से क्या होता है? परास्त करता है और उसकी सेना का जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। एक ज्योतिषी ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मुगलों का युद्ध में हार होगी। जो मुगलों की जो युद्ध कर रहे हैं राणा सांगा से उसमें क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। बाबर ने ऐसी निराशजनक स्थिति से निपटने के लिए राणा के विरुद्ध युद्ध जिहाद घोषित किया। राणा सांगा के विरुद्ध अब क्या कर रहा है? युद्ध जिहाद मतलब जो होते हैं ना जिहाद मतलब सिर्फ हम किसके लिए? मुस्लिम के लिए लड़ेंगे। जिहाद किसमें होते हैं? मुस्लिम होते हैं। ठीक है, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। जिहाद घोषित किया और गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन बनेगा गाजी की जो उपाधि थी वो बाबर ने किसकी घोषणा के थ्रू की थी? तो ध्यान रखना जिहाद की घोषणा की थी, युद्ध जिहाद की। बाबर ने पानीपत युद्ध को समापन ही रक्षात्मक तैयारियां की। 16 मार्च 1527 है ना, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, तो वही रखा है 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में युद्ध हुआ। राजपूतों के अद्वितीय शौर्य के कारण युद्ध अनिश्चित था ज्ञात होता था कि युद्ध जो है वो अनिश्चित मतलब बहुत समय तक चलेगा। ठीक है, और राजपूतों की ओर ही इसका झुकाव दिखाई देता था, लेकिन तोपखानों ने पुनः बाबर को विजय दिलाई। क्योंकि आपको पता है बाबर ऐसा व्यक्ति ऐसा मुगल साम्राज्य था, कह सकते हैं सबसे पहले तोपों चलाई थी वो किसने चलाई थी? बाबर ने ही चलाई थी। तो बाबर के पास क्या थी? तोपें थी, मगर जो हमारे थे राजपूत जो थे उन पर तोपें नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से तोपखाने से पुनः बाबर विजय हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बाबर के विजय होने की वो हो जाती है तोपखानों ने। ठीक है, तो बाबर ने अलवर में इस विजय के बाद 7 अप्रैल को प्रवेश किया। अब हो जाता है उसके बाद चंदेरी का युद्ध, जो होता है मैदनी राय राणा और बाबर के बीच होता है। कब? ये होता है 1528 में, क्योंकि एक साल पहले कौन सा हो गया? खानवा का युद्ध हो गया। अब कब होगा? 1528 में होगा चंदेरी का युद्ध। किसके बीच? मैदनी राय राणा और बाबर के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं। तो चंदेरी पर आक्रमण 1528, ध्यान रखना एक साल के बाद, मतलब जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसके एक साल के बाद 28 में बाबर ने कहां आक्रमण कर दिया? चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। तो हम हेडिंग डालेंगे चंदेरी पर आक्रमण 1528 ईस्वी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए।
बाबर ने मेवाड़ विजय के पश्चात चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि खानबा के चंदेरी का राजदूत जो खानबा है, खानबा में चंदेरी का राजदूत शासक मेदिनी राय राणा सांगा की ओर से लड़ा था। देखो यहां पर चंदेरी पर आक्रमण बाबर क्यों कर रहा है, क्योंकि चंदेरी जो खानबा है, खानबा के 1527 राणा सांगा के बीच हुआ था, उसमें जो चंदेरी मतलब चंदेरी के राजदूत शासक कौन था, मेदिनी राय। मेदिनी राय ने क्या किया था, राणा सांगा को मतलब सांगा की ओर से लड़ा था, राणा सांगा की ओर से सहायता की थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया 1528 में, और राजपूतों शक्ति को चंदेरी में पुनर्गठन कर रहा था। बाबर की दृष्टि में राजपूत संकट अधिक गंभीर था और वह राजपूतों की शक्ति को नष्ट करना आवश्यक समझता था। कि राजपूतों से क्या लगता था उसे, भाई डर लगता था कि राजपूत अगर यहां पर रहेंगे, राजपूत अगर शासन करेंगे तो मुझे हमेशा क्या होने वाली है, दिक्कत रहने वाली है, समझता था। चंदेरी का व्यापारिक और सैनिक महत्व था, वह मालवा और राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने चंदेरी पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी और राजपूतों ने इस सेना को पराजित कर दिया। बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया। बाबर क्या जा रहा है, स्वयं जा रहा है। उसने इस युद्ध को भी 21 जनवरी 1528 ईस्वी में इसा जिहाद घोषित की, है ना, जो युद्ध था इसको क्या कर दिया, जिहाद घोषित कर दिया। उसने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी को समर्पण कर दे, तो उसे तमसाबाद की जागीर दे दी जा सकती है। अगर वह चंदेरी को आत्मसमर्पण कर देगा तो हम क्या करेंगे, तुझे शमशाबाद की जागीर है वो हम यहां पर दे देंगे। यह प्रस्ताव मेदिनी राय जो था उसने अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया। राजपूत और मुगलों के बीच क्या हो रहा है भाई, अब भयंकर युद्ध हो रहा है। इसमें क्या होता है, बाबर के अनुसार उसने चंदेरी पर तोपखाने की मदद से 1 घंटे में अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी के राजा अहमद शाह को दे दी। जो चंदेरी का जो राज था, वह किसको, अहमद शाह को दे दिया मेदिनी राय से छीन कर। ठीक है, तो एक प्रकार से यहां पर कह सकते हैं कि बाबर जो था वैसे सफल नहीं होता। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके पास तोपखाना था। क्या था, तोपखाना था, इसलिए यह सभी में यहां पर सफल देखने को मिला, वरना यह किसी भी युद्ध में सफल नहीं होता। फिर बात करते हैं, इसके बाद युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। कब, घाघरा का युद्ध फिर होता है 1 साल के बाद, जो होता है किसके बीच, घाघरा का युद्ध होता है अफगान और बाबर के बीच। किसके, अफगान और बाबर के बीच होता है। लगातार युद्ध हो रहा है, ध्यान रखना। पानीपत का युद्ध 1526, खानबा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, अब देखने को मिलेगा आपको कौन सा, यह हो जाता है घाघरा का युद्ध 1529। ध्यान रखना, सीरीज बाई युद्ध है इसके, 26, 27, 28, 29, 4 युद्ध हो जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं घाघरा का युद्ध 1529 में। महमूद खान लोदी के नेतृत्व में 1 लाख अफगान सैनिक बिहार पहुंच गए और उन्हें पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। पूर्वी क्षेत्र पर घाघरा में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। महमूद खान लोदी चुनाब तक आया, कहां तक, सॉरी चुनार तक आया। जो महमूद खान लोदी था वो कहां तक आया, चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर उससे युद्ध करने में निश्चय के साथ जनवरी 1529 में आगरा से निकला। उसने अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता पुनः स्वीकार कर ली, लेकिन बंगाल के शासक कौन सा था, ये नुसरत शाह द्वारा, बंगाल का शासक कौन हुआ करता था उसमें, नुसरत शाह द्वारा, ठीक है, समर्थित मुख्य अफगान सेना गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। जो कह सकते हैं मुख्य जो अफगान सेना थी वो कहां पर थी, गंडक नदी के पूर्व तट पर स्थित थी। गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास बाबर ने अफगानों से
घमासान युद्ध किया। आपको पता ही है कहां पर है, ये बिहार में है, ठीक है, कहां पर, बिहार में। और घाघरा, अब युद्ध कहां हो रहा है, युद्ध हो रहा है यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, है ना, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर हो रहा है, जहां पर गंडक, आप यहां पर देख रहे हो, गंडक नदी के पूर्व तट पर थी कौन, ये अफगानों की सेना थी, और जो गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास बाबर ने अफगानों से घमासान युद्ध किया, ये यहां पर हो जाता है, और उन्हें क्या कर दिया, हरा दिया, किसको, अफगानों को। तो यहां पर सभी में विजय किसकी होती है, सभी में विजय अपनी हो जाती है भाई बाबर की, विजय किसकी होती है, विजय हो जाती है भाई बाबर की। तो आपको यहां पर हमने बाबर की भारत पर विजय का वर्णन देखने को यहां पर मिला, है ना, सभी को मैंने पढ़ा दिया। तो एक बार युद्ध को आप देख लेते हैं, कौन कौन से युद्ध हुए थे, एक बार फटाफट युद्ध को देखो, बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए थे। पहला हो जाता है, ध्यान रखना, बाबर कब आया था, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, ठीक है, ध्यान रखना भाई, 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध, देखो ध्यान से, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, पहला युद्ध, ठीक है, पहला युद्ध, ध्यान रखना, पहला युद्ध पानीपत का 1526 में हुआ था, जो किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ध्यान रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद एक साल के बाद मतलब 1527 में युद्ध होता है खानवा का, कौन सा भाई, खानवा का युद्ध करता है, एक भी साल बैठा नहीं था, हर साल युद्ध कर रहा था, 1527 में इसने किया खानवा का युद्ध, जो हो जाता है बाबर और राणा के बीच, किसके, बाबर और राणा के बीच युद्ध हो जाता है दूसरा, ठीक है। उसके बाद युद्ध होता है, एक साल के बाद फिर युद्ध कर रहा है 1528 में, कौन सा, 1528 में युद्ध करता है चंदेरी का युद्ध, कौन सा भाई, चंदेरी का युद्ध कर रहा है 1528 में, किसके बीच, मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय, है ना, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद एक साल के बाद फिर युद्ध किया 1529 में, कौन सा, घाघरा का, है ना, 1529 में युद्ध फिर करता है घाघरा का, जो होता है बाबर और अफगानों के बीच, किसके, बाबर और अफगानों के बीच। तो आपको इसके चारों की चारों युद्ध हैं वह याद होने चाहिए, एग्जाम में भी ये क्या है, बहुत पूछता है ना, एग्जाम में भी ये बहुत पूछता है, आपको ये क्या देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने बिल्कुल अलग यहां पर लिख दिए, है ना। क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से कि बाबर के बेटे का नाम क्या था, तो बाबर का बेटा हो जाता है हुमायूं, इसके बाद गद्दी पर जो मुगल साम्राज्य है उसकी सेकंड वाला यही बैठेगा, ठीक है। तो आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे, है ना, पानीपत का युद्ध 1526 में युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, फिर सेकंड युद्ध फिर होता है एक साल के बाद 1527 में खानवा के युद्ध बाबर राणा के बीच, फिर एक साल के बाद फिर युद्ध करता है 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, उसके बाद फिर युद्ध करता है 1529 में घाघरा के युद्ध बाबर और अफगानों के बीच। तो इसके चार युद्ध हो जाते हैं, चारों की चारों आपको याद होने चाहिए बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सेकंड वीडियो आपको मतलब 16वां क्वेश्चन जल्दी ही मिलने वाला है, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है, ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।